निकाय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अनोखा प्रत्याशी हमारे सामने हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने एक प्रण लिया है नंगे पैर चलने का और डोर टू डोर सर्वे करने का। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी हैं ये नंगे पैर हैं, चप्पल नहीं पहने हैं। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या प्रण लिया है इन्होंने और क्या सोच के इन्हें ये आइडिया आया है और किस तरह का इन्हें फीडबैक मिल रहा है जनता का। क्या नाम है आपका? मेरा रघुराज सिंह नाम है, मैं नगर पालिका बिलारी से अध्यक्ष पद के चुन उम्मीदवार हूँ। क्या प्रण लिया है, क्या सोचा था आपने कि ये इस तरह से मैं प्रण लूँगा तो मुझे लोगों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा? जैसे कि हनुमान जी ने सेवा की थी श्री रामचंद्र जी की, उसी तरीके से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो जनता के बीच जा रहे हैं आप, किस तरह का प्यार मिल रहा है उनका? जनता की तरफ मैं जा रहा हूँ, दोनों वर्गों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि रघुराज यादव समाजसेवी के नाम से जाना जाता है, हर धर्म को बराबर की नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, हम इंसान को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमें इस बात से मतलब नहीं, इंसान इंसान है, हम इंसान से प्यार करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं आप और क्या क्या कार्य ऐसा कर चुके हैं जिससे जनता आपको पसंद कर रही है, अट्रैक्टिव है आपकी ओर? हम जैसे कि नवरात्रों में प्रथम भोज देते हैं नगर के लिए, उसी के चलते ही हम मुस्लिम भाइयों को रोज़ अवतार देते हैं, 12 वफ़ात के जुलूस में काम करते हैं। हम हर धर्म हर वर्ग के लिए काम करते हैं। अपनी बेटी का बर्थडे मनाते हैं तो हम ठेली वालों को छाता देने का काम करते हैं, लोगों को जो पैसे के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको गोद लेके हम पढ़ाने का काम करते हैं। अगर मैं बहुत काम करते हैं जिससे कि अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो अगले दिन तक भी मेरे काम पूरे नहीं होंगे, यहाँ की जनता आपको बताएगी। अब आप विदाउट स्लीपर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं, तो मतलब कब तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे, कब तक के लिए प्रण लिया है आप? जिस दिन तक वोट पड़ेंगे शाम तक, और अगले दिन मैं राजस्थान जाऊँगा, इधर बालाजी के मंदिर भी जाऊँगा और दरगाह शरीफ पे भी जाऊँगा। और क्या मुद्दे हैं मेन मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आप कुछ नया करेंगे या क्या करेंगे आप जनता के लिए? जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, बहुत बढ़िया। मैं जनता के लिए काम करने के लिए आ रहा हूँ, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, यहाँ की जनता चेयरमैन है। जनता फैसला करेगी मुझे क्या करना है, मैं उनके फैसलों पर काम करूँगा, मेरा कोई फैसला नहीं है, जनता जो मुझे आदेश देगी मैं उस पर काम करूँगा। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, डोर टू डोर जा रहे हैं तो किस तरह? जनता बहुत प्यार दे रही है, वो रघुराज यादव को बहुत प्यार दे रही है, रघुराज यादव के बारे में बहुत बताओ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से ये समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, अब कुछ स्थानीय लोग भी हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में क्या उन्होंने वाकई ही मदद की है या क्या नाम है आपका? महेश का नाम है। अच्छा, आप परिचित हैं इनसे? हाँ, परिचित हैं सर। अच्छा, कैसा व्यवहार है, किस तरह से मदद कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया व्यवहार है, इन्होंने धर्म बहुत कर रही है। अच्छा, हाँ, बहुत ही बढ़िया व्यवहार है इनको। अच्छा, समाज सेवा के क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं? क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को समाज पे है, लोन दान पर तो उन्होंने खाना भी खिलाया वैसे गरीबों को, 3-3 दिन आज तक रुपया हाथ नहीं आया। हाँ, आपका क्या नाम है? महिलाल। अच्छा, क्या हिंदू मुस्लिम एकता के जो त्यौहार होते हैं उसको सबको मिल बांट के जो है सेलिब्रेट करते हैं, क्या वाकई सच्चाई? यहाँ पर सब समान समझते हैं। अच्छा, हाँ, सबके लिए समान। हिंदुओं का त्यौहार हो या मुस्लिमों का, सबको भाईचारे के साथ निभाते हैं? भाईचारे के निभाते हैं, भाईचारे के साथ। अच्छा, समान समझते हैं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज? बिल्कुल जी, सब सबके लिए समान, हर त्यौहार पर, ईद हो या होली हो। मैं अभी बात करूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह यादव हूँ, मेरा घर वार्ड नंबर 8 में आता है, गाँव में समर्थन पड़ता है, रवा सिंह का नाम है। ये जनता के लिए समझ पैदा हुए हैं, जनता बहुत प्यार देती है, इन्होंने बहुत काम किए हैं हमारे क्षेत्र में, गांव में, मंदिरों मस्जिदों में इन्हें लाइट दी है, मंदिर मस्जिदों में इन्हें बैठा दिया है और मंदिरों में भी लाइट की व्यवस्था की है उन्होंने, और जो भी इनके पास पहुँच जाए, मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला भाई में पहुँच जाए हमारे, ठीक है, सबका हित में काम करते हैं। जिसने कह दिया कि हमारे गाँव में होना है तो होना है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। हम लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में 20 साल से काम करते हैं, इस काम में करते हैं 20 काम से। इन्हें प्यार जरूरत है, इन्हें पद जरूरत है, इन्हें लाल जरूरत नहीं है, ये नहीं है ये कमाया नहीं है, कमाया हुआ अपना पैसा खर्च करना है इन्हें। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यानी कि कुछ लोग पैसे के लिए जो है पद लेते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम पद लेने के बाद में, इन्होंने पहले बहुत दिखाया है, चाहते हैं कि हम पद के बाद में क्या कर सकते हैं, इनके अंदर बहुत हौसला है काम करने का,
काम करने की बहुत शक्ति है, बहुत अच्छे व्यवहार है, बहुत अच्छे विचार है। ये दिखाएंगे बिलाई के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, जनता के बीच में जाकर जनता से पूछ के हर वार्ड का एक कमेटी बनेगी 5 आदमी 10 आदमी की, वो तय करेंगे कि हमारे वार्ड में क्या कमी है, नाली खंजा और क्या क्या होना है, उस पर काम होना है इनके बनने के बाद में। पहले क्या होता था, जो मन में आई प्रस्ताव कर दिया, वो काम हुआ ना हुआ पास कर दिया, बिल निकाल लिया, कुछ ना हुआ। इनका ये ध्येय है, इनका विचार है क्या, प्रत्येक वार्ड 25 वार्ड में बिलाई के अंदर प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी जो 10 आदमी की हो 11 आदमी की हो, वो कमेटी तय करेगी कि हमें वार्ड में किस चीज़ की जरूरत है, पानी की, जल की, निकासी की, नाली की, खंजा की, जो वहाँ की जो आवश्यकता होती है वार्ड की, ठीक है, उसमें काम होगा। हमें विश्वास है कि रवा भैया जीतेंगे तो हमारा बिलाई का विकास होगा, बिलाई ऊंचाई तक पहुँचेगी, हमारा बिलाई जो नगर पालिका का क्षेत्र है वो हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं जनता को कितना विश्वास है, कितना ट्रस्ट है। इनका कहना है कि ये चेयरमैन के लिए इसलिए खड़े नहीं हुए कि इन्हें पैसे की ज़रूरत है या पद की ज़रूरत है, ये जनता की सेवा करने के लिए चेयरमैन के लिए खड़े हुए हैं और जनता का इन्हें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। उम्मीद है कि ये आने वाले समय में कामयाबी हासिल करेंगे। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18, मुरादाबाद।